नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं द एज ऑफ रिवाइवल का पार्ट फाइव। जो पार्ट फोर था उसमें हमने थॉमस मोर से रिलेटेड जो इनकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है और इनके कुछ वर्क्स के बारे में एमसीक्यूज देखे थे। आज पार्ट फाइव में वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यूज रिलेटेड टू थॉमस मोर्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क यूटोपिया। और ये थॉमस मोर का पार्ट टू होगा और एज ऑफ रिवाइवल का पार्ट फाइव होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द वर्क यूटोपिया बाय थॉमस मोर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, तो कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। ऑप्शंस वी हैव फिक्शन, सोशियो पॉलिटिकल सटायर, अ फ्रेम नरेटिव और ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि एक फिक्शन भी है, ये एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर भी है और ये फ्रेम नरेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मोर्स यूटोपिया वॉज पब्लिश्ड। तो थॉमस मोर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका यूटोपिया, ये कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस वी हैव 1515, 1516, 17 और 18। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1516। और ये इस वक्त अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। इन 1516 दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन लैटिन एंड इन 1551 दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। और आगे आने वाले एमसीक्यूज में हम ये भी देखेंगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मोर्स यूटोपिया डिस्कसेस अबाउट, तो ये किस बारे में डिस्कस करती है, इनका जो वर्क है ये किस बारे में डिस्कशन है। ऑप्शंस ए, मॉडर्न इल्स इन एंटवर्प। बी, इट डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द इमेजिनरी आइलैंड कंट्री ऑफ यूटोपिया। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज एंड डी, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कॉइंड द टर्म यूटोपिया। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन पार्ट वन ऑफ थॉमस मोर और पार्ट फोर ऑफ एज ऑफ रिवाइवल, यानी जो इससे पहला वीडियो जब आया था उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एमसीक्यू देखा था, आज थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। ऑप्शंस वी डू हैव इरास्मस, इनका पूरा नाम है डेसिडेरियस इरास्मस और ये थॉमस मोर के अच्छे फ्रेंड थे, थॉमस मोर हिमसेल्फ, टिंडेल और कॉवरडेल। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मोर। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं। मोर इन्वेंटेड द वर्ड यूटोपिया एज द सेम एज द नेम ऑफ हिज फिक्शनल आइलैंड। नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज यूटोपिया डिस्क्राइब्स एनी इमेजिन्ड प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो देखिए, अपने आप में इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो एक आदर्श राज्य जो है उसको यूटोपिया कहा जाता है। और मोर ने अपने वर्क जो 1516 में पब्लिश हुआ था यूटोपिया, बेसिकली ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज में, उसमें ये वर्ड जो है वो कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया इन इट्स ओरिजिन अ वर्ड इज अ वर्ड, तो कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है। ऑप्शंस हमारे पास हैं ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश और फ्रेंच। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक। एंड यूटोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट लिटरली मीन्स नोवेयर, एम्फसाइजिंग इट्स फिक्शनैलिटी। तो देखिए, इसका मतलब जो होता है वो होता है नोवेयर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर इज मोर्स यूटोपिया लोकेटेड, तो क्या लोकेशन है इसकी। ऑप्शंस वी हैव इंग्लैंड, न्यू वर्ल्ड, नोवेयर और एवरीवेयर। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू वर्ल्ड। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। द फ्लोरेंटाइन एक्सप्लोरर अमेरिको वेस्पुची इज यूजुअली क्रेडिटेड फॉर कमिंग अप विद द टर्म न्यू वर्ल्ड फॉर द अमेरिकाज इन 1503। तो ये ओरिजिनली ये जो टर्म है इन्होंने दी थी मैंडस नोविस, और अमेरिका जो टर्म है वो भी इन्हीं के नाम से ही डिराइव्ड है। तो ये कुछ न्यू वर्ल्ड जो टर्म है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, क्वेश्चन नंबर सेवन, यूटोपिया बाय मोर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, तो कितने पार्ट्स में ये जो यूटोपिया है वो डिवाइडेड है। ऑप्शंस वी हैव 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 2 पार्ट्स। और कौन कौन से हैं वो पार्ट्स वो भी हम देख लेते हैं। पार्ट वन इज डायलॉग ऑफ काउंसिल, सेकेंड पार्ट जो है दैट इज डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। तो इन 2 पार्ट्स में ये वर्क डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेजिन्ड स्टेट ऑफ सफरिंग एंड इनजस्टिस इज कॉल्ड।
तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट इसी से रिलेटेड था थोड़ा सा, तो आई इंक्लूडेड दिस. एन इमेजिन्ड स्टेट ऑफ सफरिंग एंड इनजस्टिस इज कॉल्ड. ऑप्शंस हैं यूटोपिया, डिस्टोपिया, अलेक्जेंड्रिया और नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्टोपिया. ये डिस्टोपिया क्या होता है ये भी देख लेते हैं. डिस्टोपिया इज एन एंटोनिम ऑफ यूटोपिया, यानी कि यूटोपिया का ये एक विलोम है, एंटोनिम है. मोर्स वर्क यूटोपिया गेव राइज टू अ लिटरेरी जॉनर यूटोपियन एंड डिस्टोपियन फिक्शन. डिस्टोपियन फिक्शन का ये जो नाम है, डिस्टोपियन फिक्शन सुनते ही मेरे दिमाग में अभी जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जो है, दैट इज़ अ डिस्टोपियन नॉवल, वो ध्यान आ रहा है. और मज़े की बात ये है कि जो डिस्टोपियन नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है 1984, वो पब्लिश हुआ था 1948 में. तो 1984 नाम है उस नॉवल का और पब्लिश हुआ था 1948 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर इन मोर्स मोस्ट फेमस वर्क यूटोपिया. तो इनमें से कौन कौन से जो कैरेक्टर्स हैं वो थॉमस मोर के इस वर्क में है. ऑप्शंस हमारे पास हैं थॉमस मोर, राफेल हिथलरडे, पीटर गाइल्स, ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी जो हैं वो इस वर्क में कैरेक्टर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ प्रिडिक्टेड दैट मोर मे कम टू बी काउंटेड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश मैन और द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल कैरेक्टर इन इंग्लिश हिस्ट्री. तो ये किसने प्रिडिक्ट किया था? ऑप्शंस वी हैव डेसिडेरियस इरास्मस, जी के चेस्टर्टन, जी बी शॉ और रॉबर्ट बॉल्ट. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जी के चेस्टर्टन. इन थॉमस मोर्स यूटोपिया द फिक्शनल ट्रैवलर राफेल हिथलोडेज सेकेंड नेम इन ग्रीक मीन्स. तो ये क्वेश्चन जो है वो PYQ है, UGC नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राफेल हिथलोडे है उसका सेकेंड नाम जो है वो क्या है. ऑप्शंस हमारे पास हैं डिस्पेंसर ऑफ मर्सी, डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस और डिस्पेंसर ऑफ ग्रेस. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्पेंसर ऑफ नॉनसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिटीज आर देयर इन मोर्स यूटोपिया. तो देखिए ये जो यूटोपिया स्टेट है ये कितने सिटीज़ हैं इसके अंदर, ये हमें बताना है. ऑप्शंस वी डू हैव 51, 52, 53 और 54. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 54. तो 54 सिटीज़ जो हैं इसमें है. इन थॉमस मोर्स यूटोपिया देर आर बोथ रियल एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अ फिक्शनल वन. तो इनमें से कौन से जो करेक्टर हैं वो फिक्शनल हैं. ऑप्शंस हमारे पास हैं थॉमस मोर, राफेल हिथलोडे और पीटर गाइल्स. और डी ऑप्शन जो है दैट इज सेइंग दैट नन ऑफ देम इज अ फिक्शनल कैरेक्टर. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल हिथलोडे वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है. बाकी जो दो हैं थॉमस मोर और पीटर गाइल्स वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोर्स यूटोपिया स्टेट. तो देखिए इनमें से कौन सा जो है वो यूटोपिया का एक फीचर है. ऑप्शंस है हमारे पास स्लेवरी इज अ फीचर एज एवरी हाउस होल्ड हैज़ टू स्लेव्स, बट इसके साथ ये भी बात जुड़ी हुई है दैट स्लेवरी वॉज नॉट हेरिडिट्री. एंड ऑप्शन बी इज सेइंग दैट देयर वॉज रिलीजियस टॉलरेंस. ऑप्शन सी अ वेलफेयर स्टेट विद फ्री हॉस्पिटल्स. एंड डी इज सेइंग दैट ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ यूटोपियन स्टेट. सो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये जो सभी हैं ये यूरोपियन सोसाइटी के फीचर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मोर्स यूटोपिया हैज़ बीन डन बाय विच राइटर. तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हमने ये पहले थोड़ा सा देखा था कि जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कब पब्लिश हुआ था. तो दैट वॉज पब्लिश इन 1551 एंड डन बाय विच राइटर. सो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ऑप्शंस हैं हमारे पास राल्फ रॉबिन्सन, जी के चेस्टर्टन, जी बी शॉ और रॉबर्ट बॉल्ट. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा राल्फ रॉबिन्सन. और पब्लिश ये हुआ था 1551 में. ओरिजिनली इट वाज पब्लिश्ड इन 1516 एंड इन इंग्लिश इट वाज ट्रांसलेशन, द ट्रांसलेटेड वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1551. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मोर्स वर्क यूटोपिया.
तो फिर से हमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखनी है और बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ट्रू. ऑप्शन ए, बुक वन इज़ अबाउट कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लैंड सोशल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस एंड करप्शन. बुक टू प्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटोपिया. ए एंड बी बोथ आर ट्रू और नन ऑफ दीज इज ट्रू. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स प्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट यूटोपिया. तो कौन सा जो करेक्टर है वो यूटोपिया का डिस्क्रिप्शन देता है. ऑप्शन वी हैव थॉमस मोर, राफेल हिथलोडे, पीटर गाइल्स या जॉन मॉर्टन. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल हिथलोडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नरेशन ऑफ यूटोपिया. तो नरेशन जो है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है. मोर इज द डायरेक्ट नरेटर एंड राफेल हिथलोडे इज द इनडायरेक्ट नरेटर. सो ऑप्शन सी इज सेइंग दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड डी इज सेइंग दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर इसमें ऑलरेडी दिया ही हुआ था. देर आर नो टू स्लाइड्स, ओनली सिंगल स्लाइड इज देयर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो लास्ट वाले जो आ रहे हैं दीज आर पी वाई क्यूज आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नरेटिव परस्पेक्टिव एम्प्लॉयड इन थॉमस मोर्स यूटोपिया. फर्स्ट पर्सन नरेशन बाय राफेल हिथलोडे, थर्ड पर्सन नरेशन बाय अ नरेटर नेम्ड थॉमस मोर, फर्स्ट पर्सन नरेशन बाय अ नरेटर नेम्ड थॉमस मोर, थर्ड पर्सन नरेशन बाय राफेल हिथलोडे. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है दैट वी हैव टू चूज फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ और सेकेंड एंड थर्ड और फर्स्ट एंड सेकेंड. सो राइट कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थॉमस मोर्स यूटोपिया देर आर 54 सिटीज दैट वी हैव सीन इन इन एमसीक्यू. हमने एक क्वेश्चन में ये देखा था कि जो 54 सिटीज़ हैं वो यूटोपिया में हैं. ऑल बिल्ट ऑन अ सिमिलर प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आइलैंड सच दैट ईच सिटी इज सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल लैंड्स. हु डज द एग्रीकल्चरल लेबर इन यूटोपिया. तो देखिए वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है, पर एग्रीकल्चर जो है वो कौन करता है ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है. एग्रीकल्चरल लेबर इज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स, एडल्टरर्स एंड अदर क्रिमिनल्स आर फोर्स्ड टू वर्क ऑन फार्म्स. ऑल सिटीजन्स टेक टू ईयर्स स्टिंट्स एट फार्म वर्क. फार्म लेबरर्स आर ब्रॉट इन फ्रॉम अलाइड कंट्रीज. तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है दैट इज ट्रू. राइट आंसर हो जाएगा एडल्टरर्स एंड अदर क्रिमिनल्स आर फोर्स्ड टू वर्क ऑन फार्म्स. तो एडल्टरर्स जो होते हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया होता है और जो दूसरे क्रिमिनल्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है एग्रीकल्चरल जो लेबर है वो परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस मोर क्रिएट्स द करेक्टर ऑफ अ ट्रेवलर इन टू हुज माउथ द अकाउंट ऑफ यूटोपिया इज गुड हिज नेम इज. तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं वैसे वैसे, पर ये सेम जो क्वेश्चन है दैट वॉज आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम. ऑप्शन हैं माइकल, राफेल, हेनरी और थॉमस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल. आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑन थॉमस मोर्स यूटोपिया. यूटोपिया इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स इन ईच डीलिंग विद राफेल्स हिथलोडेज एडवेंचर. देखिए फोर पार्ट्स का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन दैट यूटोपिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. तो बी और सी जो ऑप्शन हैं उनमें होना चाहिए. ये ऑप्शन हम देखते हैं, यूटोपिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट रिकॉर्ड्स अ कन्वर्जेशन बिटवीन थॉमस मोर एंड राफेल हिथलोडे एंड द सेकेंड इज हिथलोडेज डिस्कोर्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेज ऑफ यूटोपिया. And C option is saying that Utopia is divided into two parts. The first is Thomas More's discourse on the institution and practices of Utopia. And the second, a conversation between More and Hitlode. So, in dono mein se ek right answer hona chahiye. Right answer ho jayega option B. Next question. In Thomas More's Utopia, what religion is practiced by Utopians? तो यूटोपियन जो यूटोपिया के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं. बिलीव इन अ सिंगल इन्फिनिट पावर एंड सन मून एंड प्लेनेटरी वर्शिप. और सेकेंड जो है वो है इस्लाम या जुडाइज्म या बुद्धिज्म. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिलीव इन अ सिंगल इन्फिनिट पावर एंड सन मून एंड प्लेनेटरी वर्शिप. नेक्स्ट क्वेश्चन,
और आज का जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन, इन थॉमस मोर्स यूटोपिया विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर पास टाइम्स इज नॉट फेवरेट अमंग यूटोपियंस, तो इनमें से कौन सा जो पास टाइम था दैट वॉज नॉट फेवरेट अमंग यूटोपियंस। ऑप्शंस वी हैव म्यूजिक म्यूजिक पब्लिक लेक्चर्स कन्वर्जेशन डाइसिंग एंड कार्ड्स। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी डाइसिंग एंड कार्ड्स। तो ये जो डाइसिंग और कार्ड्स है ये उनका कोई फेवरेट पास टाइम नहीं था, यानी कि ये जो पास टाइम है वो यूज़ नहीं करते थे। बेसिकली वो लोग म्यूज़िक सुनते थे, पब्लिक लेक्चर्स होते थे और आपस में गप्पे मारते थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑफ रिवाइवल के नेक्स्ट राइटर के साथ हम अभी अगले वीडियो में मिलेंगे।